स्कॉलर की क्लासेस कितने दिन की है? बच्चे आपकी क्लासेस 2 दिन होंगी, 2 days in a week. ओके, वेब इंटीग्रेशन कोर्स की? हाँ जी, उसी की बता रहा हूँ बच्चे, 2 दिन होंगी उसकी वेब इंटीग्रेशन तक. 2 दिन सैटरडे संडे सर? बच्चे ये आप ऑन द डे ऑफ ओरिएंटेशन खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से बैच में पढ़ना है. वीकेंड क्लासेस मिल जाएंगी आपको. ओके ओके सर, ओरिएंटेशन का कहाँ से पता चलेगा? बच्चे वो आपको मेल आ जाएगी, वो जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी उससे 1 से 2 दिन पहले ओरिएंटेशन की मेल आ जाएगी आप. ओके ओके सर, ओके थैंक यू. या वरुण, कैरी ऑन विद द प्रोडक्ट नॉलेज. और अगर किसी बच्चे ने 10+3 ये डिप्लोमा किया है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी एंड ही इज एलिजिबल एज वेल, और उसके लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज 55% ओवरऑल. और इफ एनी स्टूडेंट हु हैज डन 10+3 ये डिप्लोमा इन ईसीई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, देन वी नीड अ 1 year of relevant work experience as well. And in case of non-SDS profile, उसके लिए जो academic requirements रहेगी +2 non-medical के लिए, तो we need a aggregate 55% in physics, chemistry and mathematics and not less than 45 in any core subject. बाकी 10+3 diploma in computer science or IT में वो same रहेगा, that is 55% overall. And जो 5 PG programs हैं उसके लिए that is anything that related to computer or IT वो हम सब कुछ करेंगे, जैसे लाइक BCA, MCA, BSc कंप्यूटर, BTech इन IT और BTech इन कंप्यूटर साइंस. और अगर किसी ने BTech इन ECE किया है then he is eligible for computer network and security program only and for computer project management. I'm sorry, can you please come again, that if the student did BTech ECE then which course you are going to take? Then he eligible only for computer network and security. Thank you. And for computer project management, we need a 1 year of relevant work experience. That is mandatory. And there is no custodianship. Age should be between 18 to 28. Or UG program mein agar to SDS profile hai, to 2 saal tak ka gap bina kisi justification ke accept ho jayega. Or in case of non-SDS profile, 1 saal का गैप बिना किसी जस्टिफिकेशन के एक्सेप्ट हो जाएगा. एंड इन पीजी प्रोग्राम 5 साल तक का गैप दैट इज एक्सेप्टेड विद जस्टिफिकेशन. एंड हर प्रोग्राम कॉप में कॉप अवेलेबल है. देयर इज अ मैंडेटरी इंटर्नशिप इन ईच प्रोग्राम दैट इज 480 to 540 आवर्स एंड स्टूडेंट आल्सो गेटिंग अ फ्री लैपटॉप फॉर स्टडी पीरियड. एंड अपार्ट फ्रॉम इट कॉलेज में हर साल 3 job fair होंगे जहां पर बच्चा अपना CV प्रेजेंट कर सकता है फॉर इंटर्नशिप as well as for placement. और इसमें जो हमारा job ratio है that is more than 93%. यानी 93% बच्चा कैंपस से जॉब लेके बाहर निकलेगा, उसको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. और जब भी हम बच्चों को नॉर्मली पिच करते हैं, हम बच्चों को 4 parameters पे पिच करेंगे. द फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि अगर हम क्वालिटी ना देते तो कभी भी कोई के लिए ना आती. एंड द सेकंड इज करियर अपॉर्चुनिटी. जब भी हम बच्चे को पिच करेंगे ISI के लिए, बच्चे को ये पता होना चाहिए वो जिस सिटी में जा रहा है, जिस प्रोग्राम में जा रहा है, वहां पर उसके बाद उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. एंड मॉन्ट्रियल इज एन IT हब जहां पर मोर देन 5000 IT कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं. और मॉन्ट्रियल में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं उसमें से 70% जॉब्स आर बेस्ड ऑन IT. और पूरे कनाडा में सबसे ज्यादा जो जॉब्स अवेलेबिलिटी है दैट इज इन मॉन्ट्रियल. ये चीज हम बच्चों को CIC जॉब बैंक पे उनके फोन पे दिखा सकते हैं. एंड आफ्टर दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट इज लीस्ट इन मॉन्ट्रियल इन कैनेडा, जहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज अराउंड $600 पर मंथ. और अगर हम इसको कंपेयर करें लाइक अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो इसका जो मंथली पास बनता है इन मॉन्ट्रियल दैट इज $53 अ मंथ. अगर हम कंपेयर करते हैं ओंटारियो से दैट इज $155 अ मंथ.